सो गाइस, पिक्सआर्ट में फोटो एडिटिंग करना तो आपको हर कोई सीखता है, बट आज मैं आपके लिए एक यूनिक फोटो एडिटिंग लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा ओरिजिनल पिक्चर ये रहा, सिंपली कितना बेकार सा फट रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और देन हमने कुछ स्टेप्स को एडिटिंग कर दिया। यहाँ पर हमारा देख सकते हो बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लू है और कुछ इस प्रकार से हमारा शर्ट यहाँ पर पिंक कर दिया है और सिंपली हमारा स्माइली पीएनजी को एड किया है, ठीक है। तो आप भी अपने फोटो को यहाँ पर एचडी और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एडिटिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो एंड में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने फोटो को भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एचडी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगे, हम पहले स्टेप को फोटो को एडिटिंग करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने पिक्सआर्ट में एक नॉर्मल से फोटो को एडिट कर लेना है जिसको आपको एडिटिंग करना है, ठीक है। इसके बाद आपको टूल्स पर टैप करना है एंड इसके बाद रीसाइज पे टैप करके यहाँ पर इस फोटो का जो भी रियल साइज है ना वो ऐड करना है, ठीक है ना। ताकि फोटो को एडिट करेंगे ना तो यहाँ पर क्वालिटी हमारा डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे इसका नीचे रियल साइज शो हो चुका है तो मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा सिंपली, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हो चुका है, ठीक है ना। एंड गाइस, लास्ट में एक सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने फोटो को यहाँ पर एचडी भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। ओके, तो गाइस अब आपको इफेक्ट पर टैप कर देना है सिंपली, ठीक है ना। अब हमारा जो बैकग्राउंड है इसका हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखना होगा ब्लू, तो ब्लू कलर चेंज कर लेंगे। आपको सबसे पहले इस कलर वाला ऑप्शन पर आ जाना है, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पर कलर रिप्लेस वाला ऑप्शन पर टैप करना है, ठीक है ना। ये लड़की मंडी होगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस पर आपको टैप कर देना है एंड सिंपली यहाँ पर जो ग्रीन टोन है इसको सिलेक्ट कर देना है। और जैसे सिलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना अच्छा से इसने वन क्लिक में हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो आपको रिप्लेस ही होना है, इस पर आप इसको क्या करें इस प्रकार से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं जैसे कि अपना जो कलर है उसको ले लूँगा ये वाला सिंपली, ठीक है। और आपको मीन ह्यू है ना इसको आपको थोड़ा सा क्या है एक माइनस देना है सिंपली। एंड जो मैक्स ह्यू है ना गाइस, तो इसको भी आपको थोड़ा सा फुल कर देना है, ठीक है ना। आप सिंपली यहाँ से क्या कर देना है, आपको डन कर देना है, ठीक है ना। इस पर टैप कर देना है, ठीक है। ओके, अब जैसे कि अगर आपको शर्ट का कलर भी चेंज करना हो तो आपको कलर रिप्लेस पर टैप कर देना है और यहाँ पर आपको अपने शर्ट को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आप अपने शर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो जैसे कि हम रेड ये कर लेते हैं पिंक, फिर देना आपको इरेजर एंड देन यहाँ से रिमूव कर देना है और अपना मोबाइल डेटा ऑन कर देना है सिंपली, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्लोथ पर टैप कर देना है, ठीक है ना। तो ये आपको वन क्लिक में आपके जो कपड़ों पर कलर कर देगा, ठीक है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारे शर्ट पर कलर हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको डन कर देना है सिंपली और यहाँ से भी आपको डन कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है सिंपली, ठीक है। अब डन हो जाने के बाद अब आपको जाना है यहाँ पर एड फोटो पर, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे एड फोटो पर और यहाँ पर जो हमारे पीएनजी है ना स्माइली की वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया जिसकी स्माइली पीएनजी को। तो सबसे पहले इस पीएनजी को हम ऊपर की ओर ले जाएंगे और इसको जो हम बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको बड़ा कर लेना है एंड देन आपको देना है यहाँ पर ब्लेंड पर इसको स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा लुक आ चुका है ना। फिर आपको इसको छोटा कर देना है और देन आपको इस वाले पेंच को लिखना है एंड देन इसको भी आपको करना ब्लेंड करके इसको स्क्रीन कर देना है, ठीक है। और इसको भी बड़ा कर देना है सिंपली, तो अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, फिर इतना सा हो जाने के बाद यहाँ से आपको सिंपली डन कर देना है, ठीक है। ओके, डन हो जाने के बाद आपको इधर देना है यहाँ पर टूल्स पर एंड यहाँ से एडजस्ट पर टैप कर देना है, ठीक है। और इसके बाद जो इसका लाइट है ना तो उसको लाइट को आपको थोड़ा सा यहाँ पर माइनस कर देना है एंड देन कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज देन क्लियरिटी इंक्रीज, ठीक है। सिचुएशन इंक्रीज कर लेनी है आपको यहाँ पर। फिर यहाँ से हाईलाइट है ना तो इसको हाईलाइट को थोड़ा सा आपको इंक्रीज कर देना है। फिर यहाँ से आपको डन कर देना है, ठीक है। इतना सा हो जाने के बाद यहाँ पर आप बिफोर एंड देख सकते हो कितना अलग सा हो चुका है फोटो हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो फोटो का जो क्वालिटी है वो हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो फोटो का बहुत क्वालिटी डिक्रीज हो चुका है, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट में कहा था कि मैं आपको फोटो का क्वालिटी बढ़ाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको देना है टूल्स पर एंड यहाँ से आपको अपना मोबाइल डेटा ऑन ही रखना है सिंपली, ठीक है। एंड यहाँ से AI इन्हेंसर पर टैप करना है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा सा यहाँ पर इसने हमारा फोटो को एचडी कर दिया है, ठीक है ना। मैंने जैसे फर्स्ट में कहा था कि मैं आपको फोटो को एचडी करना सिखाऊंगा एंड में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा यहाँ पर हमारे फोटो को एचडी कर दिया इसने और वन क्लिक में। और यहाँ पर मैंने कहा था उसी टाइप को सेम यहाँ पर मैंने फोटो एडिटिंग करना भी सिखा दिया हूँ। सो गाइस, आप सीख गए होंगे बिल्कुल आसान स्टेप्स में, सीख गए हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस, फिर मिलते हैं ऐसे एक और नए कमाल के फोटो एडिटिंग के साथ। तब तक यार, बाय बाय।